सुप्रश्नित, आप रखिए अपनी बात, जवाब देना चाह रही थी आप संबित पात्रा की बातों का। जी धन्यवाद रोहित जी। संबित पात्रा जी यूजुअली तो बड़े हंसी मजाक के मूड में रहते हैं, आज बड़े गुस्साए हुए से हैं, मुझे लगता है हार से बौखला गए। होता है ऐसा, कोई बात नहीं संबित जी, मूड अच्छा रखिए, मनोबल ऊपर रखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव चलता रहता है। खैर, बहुत सारे इन्होंने आंकड़े यहां पर रटकर बताए, तो मैं थोड़े आंकड़े इनकी सुविधा के लिए और बिहार की युवा जनता के लिए मैं भी बता देती हूँ। देश में जो बेरोजगारी का दर है वो तो हाई है ही, लेकिन बेरोजगारी का दर बिहार में 46% है। बिहार में 7 में से 6 मार्जिनल फार्मर कर्ज में डूबा हुआ है। बिहार का जो एग्रीकल्चर बजट का, जिसका ऐलान इन्होंने अपने पिछले घोषणा पत्र में किया था कि हम डबल करेंगे, उसको इन्होंने आधा कर दिया है। बाकी राज्यों के कंपैरिजन में बिहार एग्रीकल्चर पर आधा स्पेंड करता है। पंजाब में एक किसान की आय है 12,000 एक एकड़ से, यहां पर है 3,000, तो ये तो असलियत है। खैर, इसमें मुझे पढ़ना नहीं है, ये गरीबी की बात कर रहे थे। और गरीबी का आलम तो ये है कि यूपीए के शासनकाल में 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर किया गया, लेकिन आपकी अकर्मण्यता, आपकी विफलता, आपकी निष्क्रियता के चलते वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 6 करोड़ लोग हिंदुस्तान में गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जाएंगे, क्योंकि आप कोरोना का वस्तुतः प्रबंधन नहीं कर पाए। आलोक जी ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया था, मैं भी लेना चाहती हूँ, और इसलिए लेना चाहती हूँ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो खुले मैदान में और खुले मंच से कहते हैं कि भारत के कोविड के आंकड़े ही गलत है, और आप दंडवत होकर साष्टांग प्रणाम उनको कर रहे हैं। अरे भाई, उनको चुनौती दीजिए कि गलत मुद्दे क्यों उठा रहे हैं वो। हम तो भाई अपनी सरकार में विश्वास करते हैं, चलिए आपने सही आंकड़े दिया, आपको डोनाल्ड ट्रंप को टेक ऑन करने की हिम्मत नहीं है। और दूसरी बात जो शिक्षा की कही जा रही थी और जो घोषणा पत्र की कही जा रही थी, थोड़ी सी बात याद दिला दूं, 15 लाख रुपए हर अकाउंट में, 2 करोड़ नौकरियां हर साल, 10 करोड़ 5 साल में, कृषि की किसान की आय दुगनी, दुगनी तो छोड़ दीजिए, किसान बेचारा बदहाल होके घूम रहा है। और आखिरी और अंतिम बात मैं ये करूंगी, लोगों की क्वालिफिकेशन पूछने से पहले ऑल पॉलिटिकल साइंस की डिग्री और स्मृति ईरानी जी का येल की डिग्री का जिक्र एचआरडी मंत्रालय में रहते हुए जरूर होना चाहिए, जो भाजपा की मंत्री थी और जदयू उनके एलाई थे। इसके बारे में क्या कहा जाएगा? डॉक्टर पात्रा जवाब दे रहे हैं, उसके बाद अजय आलोक और गगन आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर पात्रा बोलिए। देखिए, अभी यहां पर कांग्रेस की प्रवक्ता ने आंकड़े रखे कि सारे लोग बेरोजगार हमने कर दिए बिहार में और बाकी देश में भी हमने कर दिए। किसानों की वहां तो बिल्कुल बदहाली है, किसानों को ना हमने खाने दिया, वो उनको मार दिया एक तरह से। ये बताइए, जिन लोगों ने 2019 में ही ना चुनाव हुआ लोकसभा का, अभी एक साल पहले चुनाव हुआ है, 40 सीट में से 39 सीट हमें मिली है, एक भी सीट कांग्रेस को मिली नहीं, 6% से कम वोट शेयर इनको मिला है। हम इतने खराब थे तो ये जो लोग बिहार में वोट कर रहे थे, ये मंगल ग्रह से आके वोट कर रहे थे कि बिहारियों ने ही हमें वोट दिया और 40 में से 39 सीट दिया? आप बताइए किसने दिया? दूसरा, इन्होंने कहा ट्रंप के सामने जाके हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। भैया, आप जो ये अबू बकर अल बगदादी, इमरान खान और एर्डोगन के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं, जरा उसकी तस्वीरें देखा करिए। और दूसरी बात, आप बोल रहे हैं मोदी और स्मृति ईरानी जी की डिग्री देखेंगे, मैं अगर पूछ दूं अभी सोनिया गांधी, सुनिए मैडम, मैं आपके बीच में नहीं बोला मैडम, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला मैडम, बौखलाइए मत। आप डिग्री पूछ रहे थे अभी स्मृति ईरानी जी का और मोदी जी का, मैं अगर अभी सोनिया जी का प्रोफेशन पूछ दूं तो आप यहाँ डिबेट छोड़ के चली जाएंगी? बताइए प्रोफेशन क्या था। खैर, मैं नहीं पूछता, मैं जाऊंगी नहीं छोड़कर। हाँ रोहित जी, आप आगे पूछिए। ठीक है, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि इस लेवल पर डिबेट जाए। आप दोनों पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, इस बात को आप बेहतर जानते हैं। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं कि कहां तक नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने प्रोफेशन ही पूछा, इसमें घिनौनी बात कहां से हो गई? प्लीज 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 इसमें हमने प्रोफेशन ही पूछा, क्या इसमें खराब मानने की बात है? आपको दांतों से मार के नहीं, बताइए क्या बेइज्जती किया? अरे वो टीचर थी, प्रोफेसर थी, नहीं इसमें क्या बुराई है? भागूंगी नहीं। आपने आपने अभी स्मृति ईरानी को बहुत इज्जत दी, आपकी असलियत बयां करूंगी कि आप कितने। चलिए आप बोलते रहिए, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाला विषय हो गया, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मेरा एक सवाल है, वापस उसको क्या पता है, क्या छोड़ दीजिए इसको, वापस उसी विषय पर आते हैं। अजय आलोक और चित्रंजन गगन वेट कर रहे हैं। जोकर एक ही है पूरे विश्व में, अजय आलोक एक ही जोकर है जो घास पे पड़ा हुआ है हाथरस के बाहर, छोड़ दीजिए। बिहार में 10 लाख नौकरी, अरे तुम कहां पे, तुम पे आ गई, प्लीज प्लीज अपनी तुम पे प्लीज। जब अटैक करते हैं मोदी जी को, जब अटैक करते हैं स्मृति ईरानी को, तब सब ठीक है, गलत बात है। इनके अध्यक्षा पे सवाल पूछ रहे हैं, तब इनको क्यों तड़प के आ जाते हैं? ये
तब ये तू तड़ाक पे आ जाते हैं। स्मृति ईरानी औरत नहीं है आपकी तरह? क्या क्या नहीं कहते हैं आप लोग स्मृति ईरानी को लेकर? क्या क्या नहीं कहते हो आप लोग? क्यों आपके सामने? नहीं नहीं, आप बाकी औरतों को आइटम बोलेंगे, आप बाकी औरतों को जो मन सो बोलेंगे, आप बोलेंगे बताओ स्मृति ईरानी पढ़ी लिखी है कि नहीं पढ़ी लिखी है? आप बताइए, हमने कहा, हमने तो हमने पूछा, हमने आपको, हमने सिर्फ आपको पूछा कि बताइए प्रोफेशन क्या है, तो आप प्रोफेशन में इतना गुस्सा गई? कौन सा हम, आप बता दीजिए टीचर थी, इसमें क्या खराब है? और मैं किसी प्रोफेशन को खराब नहीं मानता हूँ, कोई भी प्रोफेशन खराब नहीं होता है। और बहुत नफरत फैलाने वाली है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।